module 164 in production analysis under the topic of market constraint the cartel model and now we are having the informal collision of the firms as we have studied when there is a small group of the firms they have a formation and it is called the cartel and that cartel may be under a certain agreement but there is another form that the some firms they cannot have certain form of agreement or the written setup or something the formalization but there can be informal collision this informal collision it means that the firm they do understand that there are other firms they are producing the similar nature of the output and in the market they are mostly have the similar or almost the same homogeneous output so if any firm if it will produce any quantity it has to be affected by the other firms, and if it is being affected, it can also affect the other interdependent firms. Here, I can I will not say the competing because there is a mild competition, but mostly they do accept that the other firms they are there, so they take the decision of their other firms as a response to their own firms. तो दिस इनफॉर्मल कोल्यूजन इट इज़ बेसिकली आ मॉडल बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन और अगर अगर हम देखें तो इस फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनफॉर्मल है क्व्यूजन का सेटअप ये एक्सपेक्टेशन में ये कहेगा कि अगर पाँच या छः फर्म्स हैं तो फर्म ए ये असेस करेगी कि अगर मैं एक प्राइस स्ट्रैटजी मेन प्राइज स्ट्रैटी वन को फॉलो करूँ तो देन वो उसका प्रॉपरली एक असेसमेंट करेगी कि हाउ द अदर फॉर्म्स विल रिस्पोंड क्या बाकी फॉर्म्स इस प्राइस को फॉलो करते हुए अपनी कीमत को बढ़ा देंगी क्या बाकी फॉर्म्स इसकी अपनी प्राइस को कम कर देंगी और अगर मैं प्राइस टू स्ट्रेटजी फॉलो करूं तो बाकी फॉर्म्स कैसे करेंगी या अगर मैं कोई ब्रांडिंग स्ट्रेटजी फ़ॉलो करूं मैं कोई उसमें इंग्रेडिएंट ऐड करूं मैं कोई न्या उसमें स्मेल या परफ्यूम ऐड करूं तो हाउ द अदर फर्म दे विल रिस्पोंड और इसी तरह उसको ये भी देखना है कि जो बाकी फर्म्स अपना कोई भी जब स्टेप ले रही होंगी तो एट द सेम टाइम वो उस एंटरप्रेन्योर या उस फर्म से क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो एक्सपेक्ट करती हैं कि जो वो वाली फर्म है वो खामोश रहेगी या वो उसके जवाब में एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगी या कोई प्राइस स्ट्रेटजी बनाएगी सो लाइक वाइज ये तमाम फर्म्स जो एक दूसरे के रिस्पॉन्स को देखते हुए चलती हैं तो हम इसको इनफॉर्मल कोलिजन का नाम देते हैं और अगर जनरली देखें तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम आपस में रिएक्शन कर्व्स के तौर पे भी देखते हैं मीन वन फॉर्म्स व्हेन इट हैज वन एक्शन अदर फॉर्म्स इट हैज सर्टन रिस्पांस इन द फॉर्म ऑफ द रिएक्शन रियक्शन और उस रिएक्शन के जवाब में अगेन जो फॉर्म ए है वो रिस्पोंड क्या करेगी और वो वन टू थ्री अपनी स्ट्रेटजीज को ऑस्पेक्ट को देखते हुए उसके जवाब में दूसरों के एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखते हुए स्ट्रेटजीज बनाती है तो इन दिस वे वेरियस रिएक्शंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस पॉन्ड करते हुए चलते हैं और हम कहीं ना कहीं उस मरहले पे पहुंचते हैं व्हेन द रिस्पांस ऑफ वन इज बीइंग रिस्पॉन्डेड बाय द अदर एंड वी हैव द रिएक्शन कव अब लेकिन इस सारे में इनफॉर्मल कोलिजन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्दर सचुएशंस हमारे पास सामने आती हैं उसका नतीजा ये हो सकता है कि बिकॉज इट इज परसेप्शन बेस्ड वन so फर्म वो परसीव करती है कि जो डिमांड कर्व जो वो फेस कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं रादर वो किंकड है और वो किंक मेन डेंट है उसमें या उसमें एक स्ट्रेटेजी के तौर पे अगर हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन ही है वो डाउनवर्ड उसमें किंक है अब दिस इन फॉर्मल कुलसिव ग्रुप में अगर हम देखें तो ये फिनोमिना ऑफ स्टिकी प्राइसिस को फॉलो कर रहा होता है अब लेकिन स्टिकी प्राइसिस का जो फिनमिना है वो इसमें एक फैक्टर है बट नॉट द ऑल थिंग्स जिसकी वजह से हम इसको इनफॉर्मल कोलिजन के तौर पे लेते हैं अब किंक द डिमेंड कव जो मोस्टली यूटिलाइज किया जाता है इट टेल्स अस दैट द फर्म्स दे डू नॉट यूज लोअर प्राइस स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज द सेल्स मीन्स अब किसी भी जगह पे फर्म्स अगर इफ दे आर मोर देन टू और द थ्री और द फोर एंड दे आर प्रोड्यूसिंग असीमिलर नेचर ऑफ़ द आउटपुट तो वो ये पॉसिबल है उनके लिए कि जिसमें वो कहें कि अगर हम अपनी प्राइस को थोड़ा सा लो कर दें और वो भी उस फॉर्म में जब उनकी मार्केट में जो डिमांड कर्व है वो अलास्टिक हो सो फॉर दैट चेंज स्मॉल चेंज इन प्राइस के मुकाबले में उन्हें हो कि तो उस डिमांड की वजह से देअर विल भी मोर सेल्स सो दे विल बी एबल टू कैप्चर द मोर शेयर इन द मार्केट सो ड्यू टू स्मॉल चेंज इन द डाउनवर्ड चेंज इन द प्राइस एक फर्म जो है वो अपना रेवेन्यू एनहांस करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी को सेल कर सकती है लेकिन अब फर्म इसके साथ साथ ये देखती है कि क्या वो जो डाउनवर्ड की पॉलिसी को लेके चले तो दूसरों का रिस्पोंड क्या होगा अब इसी फॉर्म में अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो फर्म है वो अपनी प्राइस को इंक्रीज भी कर सकती है और वहाँ पर फर्म इस चीज़ को बिलीव करती है या ये कहें कि वो दूसरी फॉर्म से एक्सपेक्ट करती है कि जो अगली फॉर्म्स जो हैं वो इंक्रीज्ड प्राइस के फिनोमिना को फॉलो करेंगे अब अगर सादा फॉर्म में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस जो भी इंटरडिपेंडेंट या एक ही जैसी स्मॉलर लेवल की पांच या छह फर्म्स होंगी तो वो दे विल गो अलोंग वो उस फिनोमिना को सारे फॉलो करेंगे और उस प्राइस इंक्रीज में कोई भी जो एक फर्म उसका पहला स्टेप लेगी उसे ये डर या खौफ नहीं होता कि जो दूसरी फॉर्म्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगी क्योंकि अगर वो प्राइस को इंक्रीज करता है एंड देर इज़ अलास्टिक डिमांड कर्व तो देर इज़ अ फियर कि वो मार्केट से अपने शेयर को लूज़ कर बैठे बट एट द सेम टाइम अगर उसको ये हो कि मैं प्राइस को डिक्रीज़ करूँ तो हेयर द फर्म इज एक्सपेक्टिंग जो बाकी प्राइसेस हैं वो उसको फॉलो नहीं करेंगी तो इंक्रीज इन द फॉर्म में जो प्राइसेस हैं दे हैव द टेंडेंसी टू इंक्रीज और द चेंज बट इन द डाउनवर्ड में हम कहते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो की रहेंगी और वो जो है वो चेंज नहीं हो। अब इसी फिनोमेना को अगर हम देखें तो इफ प्राइस देयर इज डिक्रीज तो फर्म अज्यूम करती है कि जो बाकी फर्म्स हैं वो इमीडिएटली उसको मैच करने के लिए डिक्रीज कर सकती हैं और अगर वो डिक्रीज कर देंगी तो इफ़ इट इज द स्ट्रैटेजी तो क्या होगा कि अब मार्केट में लोअर प्राइस प्रिवेल करेगी उस फर्म के लिए भी और दूसरों के लिए भी और उसके नतीजे में जो डिक्रीज इन प्राइस से उसने इनक्रीज इन सेल्स की एक्सपेक्टेशन रखी थी वो फुलफिल नहीं हो सकेगी और चूंकि वो फुलफिल नहीं हो सकेगी तो देयर विल बी द डिक्रीज इन द रेवन्यू तो दिस ऑस्पेक्ट और द अगर हम देखें तो उसके डिमैंड कर्व में अगर देखें तो ये दो तरह से एक्सप्लेन होता है मीन जो डिमैंड कर्व ऑफ दिस फॉर्म है उसके दो हिस्से होंगे उसका एक पाथ वो है जहाँ पे वो अलास्टिक है और दूसरा पाथ वो है जहाँ पे वो लेस इलास्टिक है मीन जहाँ पे रिस्पॉन्स टू द प्राइस पे वो टाइट फॉर्म में और द लेस रिस्पॉन्सिव है और इन दोनों को अगर हम करें तो इन दोनों के दरमियान में जो गैप है वो गैप ही जो है वो उसकी किंक की, की, की शक्ल में आता है एंड दिस किंक जो डिमांड कव में जो उसका शो होता है उसी की वजह से जो मार्जिनल रेवेन्यू का कव है उसमें फिर एक गैप शो होता है नाउ इफ वी एक्सप्लेन दिस फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट दिस इज वन फ्रॉम डिमांड कव ऑफ द D1. और अगर हम उसी का डिमांड कर्व को देखें जो कि उसका नेचुरली हमारे सामने आना चाहिए था लेकिन दिस इज वन रिलेटेड टू द प्राइस अब ये उसका वो अलास्टिक पार्ट है लेकिन उसका ये वाला पाथ जो है ये उसका इन अलास्टिक होने की वजह से मार्जिनल रेवेन्यू में यहाँ पर गैप शो हो जाता है और अगर हम देखें तो दिस पाथ दैट इन फॉर्मली फॉर्मलीव फर्म्स दे फॉलो और बजाय के वो फिर ये वाला जो नेचुरल उसका होना चाहिए था वो उसको फॉलो करने के वो उसको डिफरेंट फॉर्म में फॉलो करते हुए उसको किंग फॉर्म में इस तरफ को मूव कर जाती है और ये इलास्टिक की बजाय अगर हम देखें तो ये उसका सम वर्ट लेस इलास्टिक हो जाता है क्योंकि फॉर द चेंज इन प्राइस के में देखें तो यहाँ पे जो क्वांटिटी का कर्व है वो कम यानी चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस जो है

प्राइस की चेंज में अपनी उस प्राइस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए प्राइस को एक्सपेक्ट uh, करती हैं कि जो अदर्स हैं दे विल फॉलो एंड इफ़ दे विल नॉट फॉलो तो उसके नतीजे में प्राइसेस दे विल स्टिक एट देर प्रीवियस लेवल